ओम शांति आज 26 फ़रवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ जो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे तो विकारो रूपी भूत भाग जाएंगे भूत ना जैसे देखिए धूपवास जगाते हैं कि वातावरण शुद्ध रहे कोई ऐसी चीज ना आए तो बाबा कहते हैं अमृत वेले अमृत वेले हमारे सारे दिन की फाउंडेशन है उस समय धूपवास अर्थात ज्ञान और योग ये दोनों का ही मनन चिंतन करो बाबा से योग लगाओ ज्ञान मंथन करो तो सारे दिन की फाउंडेशन अगर अच्छी हो गई तो फिर सारे दिन हमारी बुद्धि में शुद्धता रहेगी भूतों का प्रवेश नहीं होगा प्रश्न है कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है मैं आत्मा हूँ ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है जिसके पीछे सब आ जाते हैं इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो ये जो भूत है ये है इस पुरानी दैहिक दुनिया के सत्य की दुनिया में तो नहीं है इनका संबंध दे अभिमान से है तो जब हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और हम अपन को ये शरीर समझना शुरू कर देते हैं तो नेचुरल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की सारी चीजें अट्रैक्ट होंगी तो ये भूतों का समावेश तब होता है और जब हम अपने स्वरूप में हैं आत्म स्थिति में तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है। गीत है आज अंधेरे में है इंसान बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे अब तुम बच्चे तो समुख बैठते हो तुमने ईश्वर को पाया है इन आँखों से देखा है ईश्वर को कैसा पाना होता है वो खुद ही आकर बताते हैं अर्थार्थ या नॉलेज देते हैं समझाते हैं इस तन द्वारा तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हो बिगर शरीर तो कोई पाठ बजा न सके पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा देखिए शरीर का अपना महत्व है आत्मा का अपना महत्व है बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है वो पाठ बजाती है शरीर पाठ नहीं बजाता है। शरीर के माध्यम से आत्मा पाठ बजाती है ये रियलाइजेशन कि मैं हूँ पाठधारी धारी और ये शरीर के माध्यम से ये वस्त्र पहनकर मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ ये बाबा दो चीजें सेपरेट रहनी चाहिए मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है दे अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है जिससे फिर और भूलें भी होती हैं इसको दे अभिमान का भूत कहा जाता है यानी सबसे पहली भूल जो हुई जो शुरुआत की भूल हुई वो यही भूल हुई कि मैं ये दे हूँ जब ये कॉन्शियसनेस आई कि मैं दे हूँ तभी सारी प्रॉब्लम्स आरंभ इस इसको बताते हैं ना एप्पल जो एप्पल खाया एडम एंड ईव द फॉरबिडन एप्पल तो ये वही चीज है कॉन्शियसनेस इस समय तुमने इन पांच विकारों पर विजय पाई थी रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए बच्चे कहते फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा अपना राज्य करेंगे कहते हैं ना राम राज्य चाहिए तो अब कौन सा राज्य है रावण राज्य है ना सत्युग में रावण राज्य नहीं होगा वहां होगा राम राज्य अच्छा राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे ये भी कोई नहीं जानता राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं कृष्ण को नीचे ले गए हैं सत्युग का तो जैसे उन्होंने को पता ही नहीं तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो हर हरेक मनुष्य में पांच भूतों की प्रवेशता है कम से कम सात रोज भट्टी में रहें तब ये भूत सब भागेंगे उनको ज्ञान और योग का धूप चाहिए देखिए जब भूत किसी को चिपटता है तो छोड़ता <laughs> नहीं है तो बाबा कहते हैं कि ये जो भूत हैं ये आत्मा को ऐसे चिपटे हुए हैं सात रोज उनको कंटिन्य भी भट्टी में डालो ज्ञान योग का धूपवास करो तो कहीं जा के छूटे, तो भी हमेशा ज्ञान योग की धूप वास सात दिन के लिए नहीं लेकिन उसको जगा करके ही रखना है नहीं तो फिर से आ जाएंगे भूत <laughs> तो बाबा ने कहा कि भूलने का पहला पहला कारण है दे अभिमान का भूत उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ अमृत वेले का ही कायदा है भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन hmm. आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बताते हैं बताने बनाते हैं ये कोई रियलिटी में नहीं है समझते नहीं कि काम भी भूत है तुम लिख सकते हो सब में पांच भूत हैं पहला नंबर है दे अभिमान फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे बाबा ने कि... जो कहा ना दे अभिमान फिर कहा काम महाशत्रु तो दे अभिमान बीज है उस बीज से सारे भूत आते हैं बाबा ने कहा आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो और ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है फिर बाबा ने कहा कि बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके तुम बच्चे समझ सकते हो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है बहुत दे अभिमान में आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता है कोई को भी मोह का भूत न आए बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं मोह की बात नहीं है जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं मरने का ही डर रहता है आत्मा भी अविनाशी है परमात्मा भी अविनाशी है वो जन्म मरण में नहीं आता ये बाबा बता रहे हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है आत्माएँ अनेक हैं परमात्मा एक है आत्माएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं परमात्मा नहीं आते और बाबा ने जो बात बताई कि शरीर छोड़ने से भय होता है वो क्यों क्योंकि ये एहसास नहीं है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है शरीर जैसे कि हाथ में मेरे फाउंटेन पेन है फाउंटेन पेन में चेंज कर सकती हूँ लेकिन जब मैं समझना शुरू कर दूँ, मैं ही फाउंटेन पेन हूँ तो मुझे परेशानी होगी फाउंटेन पेन अगर मैं समझती मेरे हाथ में है तो एक गया दूसरा ले लूँगी ऐसे ये शरीर है आत्मा मैं हूँ और ये शरीर मेरा वस्त्र है एक शरीर गया दूसरा लेंगे तो निर्भयता आएगी तो बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ मेरे रहने से इनको बहुत फ़ायदा है इनकी आयु बढ़ती जाती है गुलगुल गुल हो जाता है इनकी सब खामियां ख़त्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ बाबा तो है ही सुखदाता मेरे कारण ये योग सीखते हैं तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं तो ये ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा बाबा ने तीन स्टेप बताए एक बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है दूसरा बताया पुनर्जन्म मैं नहीं लेता हूँ तीसरे स्टेप में बताया कि मैं शरीर लोन पे लेता हूँ परमानेंट शरीर नहीं है मेरा लोन पर लेता हूँ और मैं जब आता हूँ तो इसकी आत्मा को भी फायदा होता है और ये योग लगा करके अपने आप को पावन बनाता है किसको गाली देना गुस्सा करना ये सब आसुरी स्वभाव है सत्युग में ये गाली आदि होती नहीं नाम ही है कितना फर्स्ट क्लास हेवन वैकुंठ पैराडाइज कहते हैं क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले भारत पैराडाइज था इस हिसाब से बरोबर पांच हजार वर्ष ही हुआ ये सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं राजयोग की फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है वंडर है ना फिर बाबा ने कहा कि ऐसे भी बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहता ये तो कल्प पहले भी थी, थी, गाली खाई थी, ये तो होना ही है कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं कल्प कल्प की बाबा, बाबा आकर के कोई नियम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों ये कैसे अरे इतने सन्यासी चले गए जंगल की राह में इतनी कन्याएं रहती हैं शुद्ध पवित्र रहती हैं तो उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कहता लेकिन जब यहाँ पर आकर के कुछ अडॉप्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। बाबा ने कहा कि मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए पत्थर नहीं आगे पत्थर निकलते थे अब रतन निकलने चाहिए तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत बाबा भी रूप बसंत है ज्ञान का सागर है उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है परंतु है स्टार पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। hmm. आज बाबा ने वरदान दिया बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा जो न्यारा प्यारा है वो निमित्त और निर्माण है उसमें मेरेपन का भाव आ नहीं सकता वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है सूक्ष्म मेरेपन का ये मेरा है ये तेरा है ये बहुत 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 हानिकारक है जहाँ मेरा और तेरापन है वहाँ योग नहीं है प्यार नहीं है हम ईश्वरीय संतान है वो भी नहीं है जब तक किसकी दीवारों को तोड़ा नहीं है इसको रॉयल रूप क्या इसमें कहा आज रॉयल रूप वैसे रॉयल रूप में बट मेरे को तो ये महसूस होता है कि टू मच क्या कहूँ दुनियावी प्रकार की बात है तो पापा ने कहा कहेंगे ये मेरा ही काम है मेरा ही स्थान है मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो है सब उसका और उसकी चीज को अपना करने तो कितनी बड़ी बेईमानी है स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें एट एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री ज़ीरो नाइन पर और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे ओम शांति